हेलो फ्रेंड्स मीना मैं चैनल पैप आपका स्वागत है लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में ड्रॉप बाय ड्रॉप चैप्टर पढ़ा था तो ट्वेंटी चैप्टर था तो उसका एक पैराग्राफ रह चुका है तो uh, मैं इस वीडियो में इस पैराग्राफ को कंप्लीट करूँगी और आगे का चैप्टर भी आपको पढ़ाऊँगी तो देखते हैं पढ़िए यू हैव गिवन सम सजेशन यू हैव गिवन सम सजेशन टू री वाटर तुम दे चुके हो कुछ सजेशन यानी कि सलाह दे चुके हो टू री दोबारा इस्तेमाल करने का आ, के लिए के, के पानी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए दोबारा पीपल यूज़ दिस मैटर पीपल मतलब लोग यूज माने इस्तेमाल करते हैं इस तरीके को ओनली अंडर कंडीशन केवल अंडर कंडीशन यानी कि केवल अंडर कंडीशन है परिस्थितियों के अनुसार वैन देर इज़ अ स्कारसिटी ऑफ वाटर जब स्कारसिटी यानी कमी होती है पानी की यानी कि इस तरीक़े को जब इस्तेमाल करते हैं जब पानी की कमी होती है यू नो you know, क्या तुम जानते हो वन ऑफ द रीज़न एक कारण फॉर स्कैसिटी यानी कि एक कारण जो स्कैरसिटी का है वो क्या है ऑफ वाटर पानी की इस इस माने है क्या है मतलब जो कारण है पानी की कमी का क्या है इस माने है बिकॉज क्योंकि पीपल वेस्टिड क्योंकि लोग क्या करते हैं इसको व्यर्थ कर देते हैं बेकार करते हैं ठीक है जस्ट थिंक केवल सोचिए एक बार एक बार सोच के देखिए जस्ट थिंक मतलब एक बार सोच के देखिए या फिर इसके बारे में सोचिए हाउ गुड इट वुड बी कितना अच्छा इसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग है हाउ गुड इट वुड बी कितना अच्छा होता इफ़ एवरी वन गॉट वाटर हर किसी को पानी मिलता चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये यह चैप्टर ट्वेंटी कंप्लीट होता है अब हम ट्वेंटी वन चैप्टर पढ़ने वाले हैं फैमिली कैन बी डिफरेंट देखो फैमिलीज होती हैं जो परिवार होता है अलग अलग हो सकते हैं टेल हाउ मेनी टेल माने बताओ हाउ मैनी कितने कम लेट्स प्ले अ गेम टुगेदर चलिए एक गेम खेलते हैं ए, एक दूसरे के साथ यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस गेम तुम्हें ज़रूर इस फैमिलियर हो जाना चाहिए यानी कि उसको अच्छे से सम, फैमिली समझ लेना चाहिए फैमिलियर या फिर पारिवारिक फैमिलियर का मतलब पारिवारिक भी हो, होता है तो घुलना मिलना भी फैमिलियर का मीनिंग होता है ठीक है देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ऑल द चिल्ड्रेन स्टैंड इन अ सर्कल और मैंने सभी बच्चों को स्टैंड बने खड़े होना है इन सर्कल यानी कि गोले में लेट ऑल चिल्ड्रेन स्टैंड इन अ सर्कल सभी बच्चों को गोले में खड़े होना है ठीक है गोला बना के या फिर लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन center. एक बच्चे को बीच में खड़ा होना है यानी कि सबको गोला बना के खड़ा रहना है और एक बच्चे को सेंटर में खड़ा होना है प्लेयर ट्यून और एक गाना बजाना धुन बजानी है एवरी वन मस्ट रन इन अ सर्कल हर किसी को सर्कल में ही भागना है एज लॉन्ग एज द म्यूज़िक प्ले जब तक कि एज लॉन्ग मतलब जब तक की म्यूज़िक प्लेज बचता है ठीक है द चिल्डन हु इज प्लेइंग दिस म्यूजिक जो बच्चा इस गाने को बजा रहा है उस म्यूजिक विल सडनली स्टॉप एट विल माने गा सडनली अचानक से रोक देगा एंड कॉल आउट अ स्मॉल नंबर लाइक फाइव फोर और टू लाउडली कॉल आउट मतलब एक नाम बुलाएगा जिसका नाम जैसे कि पाँच हो गया फोर हो गया टू हो गया लाउडली तेजी के साथ चिल्ड्रेन है विल हैव टू फॉर्म फॉर्म अंदर बना बच्चों को क्या करना होगा फॉर्म बनाना होगा ग्रुप यानी समूह बनाना होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर नंबरों के अनुसार जैसे फोर बुलाया है तो फोर और दो और फाइव के अकॉर्डिंग उन्हें ग्रुप बना लेना है कॉल आउट जैसे उन्होंने कॉल आउट मतलब जैसे नंबर बोले हैं उसके अकॉर्डिंग द चिल्ड्रेन हु कैन नॉट जॉइन एनी ग्रुप जो बच्चा किसी भी ग्रुप में जॉइन नहीं होगा विल हैव टू लीव दिस गेम उसे गेम छोड़ना पड़ेगा ठीक है कंटिन्यू प्ले दिस गेम और कंटिन्यू करते रहना है यानी बजाते रहना है इस मतलब ऑब्वियस है म्यूजिक बज रहा है तो बजाते रहना है तो कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम इसको खेल मतलब प्ले कर खेलते रहना है इस गेम को टिल जब तक कि ओनली टू चिल्ड्रेन जब तक कि दो बच्चे आर लेफ्ट इन द सर्कल जब तक कि दो बच्चे ना बच जाएँ सर्कल के अंदर कम चलिए आइए लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम चलिए चलिए इस गेम के बारे में बात करते हैं क्या बात करते हैं ये लोग How did you feel when you could join a group of required number? How did you feel मतलब तुमने मैं कैसा महसूस हुआ How did you feel मतलब तुम्हें कैसा महसूस हुआ जब uh, you could join a group यानी तुमने सके एक join uh, को uh, sorry एक group को जब join कर पाए तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ यानी कि रिक्वायर्ड नंबर दिए गए नंबर पर यानी कि जैसे अगर चार दे दिया चार पर या पांच पर उन रिक्वायर्ड नंबर पर दिए गए नंबरों पर अगर आपने जो ज्वाइन किया ग्रुप उसमें मिलके आपको कैसा महसूस हुआ ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और वाई क्यों महसूस किया उसका आंसर आप दे सकते हैं टीचर को दे सकते हैं और किसी को दे सकते हैं हाउ डू यू फील क्या तुम्हें कैसा महसूस हुआ इफ़ यू कुड नॉट आपको कैसा महसूस हुआ इफ़ यदि यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप यदि कोई भी किसी भी ग्रुप ने आपको ज्वाइन नहीं करा किसी ने भी आपका हाथ नहीं पकड़ा तो आपको कैसा महसूस हुआ आपको बताना है और वाई क्यों महसूस हुआ ऐसा डू यू लाइक टू बी विद पीपल तुम्हें अच्छा लगता है टू यू लाइक क्या तो पसंद है टू बी बी मैने होना विद पीपल लोगों के साथ यानी कि आपको क्या अच्छा लगता है लोगों के साथ रहना विद होम डू यू लाइक टू बी मोर विद होम किस के साथ डू यू लाइक तुम पसंद करते हो मोर ज़्यादा बी मोर मतलब ज़्यादा रहना आपको किस के साथ पसंद है हाउ डू यू फील तुम्हें कैसा महसूस होता है इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन तुम्हें कैसा महसूस होता है जब तुम्हें हैड टू बी होना पड़ता है अलोन हमेशा Had to be, होना पड़ता है अलोन यानी कि अकेले ठीक है फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है फ्रेंड्स